और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं रायपुर, जहां सीएम भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ मंत्री आदरणीय चौबे जी और आदरणीय डॉक्टर प्रेम सत्यकाम जी, हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय महामंत्री शुक्ला जी, महेश जी, शैलेश भाई, घनश्याम राजू जी और सभी हमारे मीडिया के साथीगण, पूरे देश में इस बात की चर्चा चली है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश के सर्वोच्च प्राथमिकता में, उससे कोई समझौता बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास में हम देखें, हमने प्रधानमंत्री खोए हैं। इसलिए लगातार प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, वीवीआईपी के सुरक्षा में लगातार समीक्षा भी होती रही है, उसमें सुधार करते गए हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके लिए सुरक्षा में बिल्कुल ही चूक नहीं होनी चाहिए, हम सब चाहते भी हैं और मानते भी हैं और होना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम घटी और जिस प्रकार से बयानबाजी हो रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा हो, और जिस प्रकार से मीडिया में सारी बातें आ रही हैं, तो सबसे पहली बात यह है, जब प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम बनाए प्रधानमंत्री कार्यालय में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई में, तो सबसे पहली बात यह है कि मौसम को क्यों नहीं देखा गया। आज तो रायपुर में आप देखना चाहें तो 7 दिन 8 दिन पहले आप मौसम के बारे में आप मोबाइल में देख सकते हैं कि पानी गिरने वाला है कि नहीं है, बदली होगी कि नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने मौसम के बारे में जानकारी नहीं ली थी जब कार्यक्रम बनाया? जब दिल्ली से फ्लाई किए तब भी क्या आपको मौसम की जानकारी नहीं थी? क्या आप भटिंडा आए तब आपको मौसम की जानकारी नहीं? यदि आपको पहले से मौसम के बारे में जानकारी थी तो आप अल्टरनेट व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? क्योंकि आपको तो भटिंडा से फिरोजपुर आपको हेलीकॉप्टर में जाना था, बाय रोड तो कंटेंजेंसी था, पंजाब पुलिस को या पंजाब सरकार को जो जानकारी दी गई उसे कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और हुसैनी वाला, 3 जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। उन 3 जगहों में जो आवश्यक अधिकारी उसकी नियुक्ति की गई थी, 20 IPS लगे थे, 10,000 जवान लगे थे, तो तीनों जगह सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और उन्होंने किया। अचानक एयरपोर्ट में आप कहते हम बाय रोड जाएंगे और बाय रोड आप 100 किलोमीटर चले भी गए। अभी तक कोई प्रधानमंत्री 130-140 किलोमीटर बाय रोड गया? खुद भी कभी 140 किलोमीटर गए? कार्यक्रम से लौटते वक्त जरूर, अभी पिछले दिनों कानपुर से लखनऊ आप गए थे, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब, कार्यक्रम में जाते वक्त तो कभी नहीं गए। और फिर एक कंटिंजेंसी था तो उस समय क्या बताया था कि आपको सैनिटाइज करना था, उसको पूरे रोड को कवर करना था? क्या ये आपके आईबी के फेल्योर नहीं है?
आपके IBCBI आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे, आपने उस पर क्या कार्रवाई की? और प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्यक्रम कैसे बना दिया आपने? जब मौसम खराब है तो प्रधानमंत्री की जान को आप जोखिम में डाल देंगे, आप कैंसल भी कर सकते थे। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि कार्यक्रम होना ही जरूरी था? मौसम खराब है, बहुत सारे कार्यक्रम कैंसिल होते हैं। अभी कोरोना कारण से सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी ने कैंसिल कर दिया, प्रियंका जी ने कैंसिल कर दिया, सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? मुख्य रूप से बात यह है कि वहां भीड़ थी ही नहीं। जहां 14 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघु बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जहां 700 किसानों की शहादत हो जाती है, पूरे प्रदेश पूरे पंजाब के गांव-गांव में प्रधानमंत्री के खिलाफ वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है, उसको आप जान रहे हैं। उसके बावजूद भी आप सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला करते हैं, वो भी अचानक। सौ किलोमीटर जाने के बाद पता चलता है कि 700 लोग इकट्ठा है। जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी के जो बयान आए, और फिर आके वापस भटिंडा में आप ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया, इसलिए धन्यवाद। आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपकी गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसके पहले क्या प्रधानमंत्री जाम में नहीं फंसे हैं? मेट्रो का उद्घाटन करने गए थे 2017 में, आप जाम में नहीं फंसे थे? क्या दिल्ली में दो बार जाम में आप नहीं फंसे थे? तब आपके लोग कहते थे कि तो प्रधानमंत्री भी आम नागरिक की तरह हैं। और आज वो तो जो वहां किसान मजदूर यूनियन है, अब 2 घंटा चलने के बाद तो किसी को भी पता चल जाएगा, और वहां जगह जगह आंदोलन हो ही रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे हो रहे हैं, वो उठ के इधर आ गए। अब दूर में आप खड़े होके वापस आए, 15 मिनट ओवरब्रिज में खड़े थे, वापस आ गए, और उस पे आप राजनीति कर रहे हैं। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बना है? इसलिए कि पंजाब से आपकी जमीनें पहले भी नहीं थी आपकी जमीन, और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आपकी आप साफ होने वाले हैं, इस कारण से राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आयोजकों द्वारा बार बार ये कंफ्यूजन करना कि पहले वो फिरोजपुर आएंगे, फिर उसके बाद हुसैनी जाएंगे, पहले यहां उतरेंगे, फिर बाई रोड जाएंगे, नहीं फिर बोले हुसैनी वाला पहले जाएंगे फिर यहां आएंगे, ये बार बार कंफ्यूजन किया गया आयोजकों द्वारा। और बताया केवल इतने ही जगह है कि आपको ये 3 जगह है जहां सुरक्षा देनी है। पहला सवाल यह है, क्या मौसम के बारे में भारत सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं था? और जब पता था तो आप सड़क मार्ग ले जाने वाले थे, तो इसको
आप ऑप्शनल क्यों रखे? मुख्य रास्ता उसी को बताते हैं आप तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। यदि मौसम खराब था तो आप सड़क मार्ग से जाएंगे या पहले कर देते तो पूरे पंजाब सरकार पूरे रास्ते पर व्यवस्था करके रखती। और आज आप आज सोशल मीडिया में चल रहा है पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, 356 लगाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी में पूरी पीढ़ी समाप्त हो गए, जहां सुरक्षा देना था वहीं सुरक्षा नहीं था, और जहां कुछ भी नहीं हुआ वहां बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। जाम में तो आप उत्तर प्रदेश में फंसे, जाम में तो आप दिल्ली में फंसे, दो दो बार, एक एक बार नहीं तीन तीन बार फंसे, तभी बात नहीं आई। लेकिन आज चूंकि चुनाव सर पे है और आपको लोगों को सहानुभूति चाहिए, तो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इतना नीचे उतर जाएंगे आप? मैं फिर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है, देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल के हों, इससे कोई मतलब नहीं, देश पहले है पार्टियां बाद में, इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, उसमें किसी प्रकार के कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मौसम खराब की जानकारी आपको दी गई कि नहीं दी गई, और नहीं दी गई तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपके कार्यक्रम बनाने वाले हैं, जिन्होंने कार्यक्रम बनाया उसने हेलीकॉप्टर से ले जाने की बात क्यों की जब मौसम खराब था? तीसरा, आप कभी ये सूचना दी जब दिल्ली से निकले उसके पहले कभी सूचना दी सड़क मार्ग से जाएंगे? आप तो एयरपोर्ट में आप तय करते हैं कि हमको सड़क मार्ग से जाना जी, इतने सुरक्षा, और ये बॉर्डर में वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर है, वहां इस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसी रिस्क ले रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? तीसरी बात यह है कि आईबी ने सारी सूचनाएं क्यों नहीं दी? आप पहले अपनी एजेंसी पर पहले कार्रवाई कर लें, और आखिरी बात, जान बच गई, आपके खिलाफ हमला क्या हुआ था? और यदि आपकी सूचना थी आगे जान का खतरा है तो फिर गए क्यों? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? तो केवल आप राजनीति करने गए थे, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। और जिस पद पे बैठे हैं, जिस पद को धारण किए हैं, उस जगह बैठ के इस प्रकार की बातें करना शोभा कतई नहीं देता। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो स्वागत। प्रधानमंत्री जी का था उसको क्या मानते हैं, किसी प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, जिस प्रकार से पूरे उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ वातावरण है, वहाँ इस प्रकार से ड्रामा तो कतई नहीं करना था। और दूसरी बात, उन्हीं के नियुक्त किए गए राज्यपाल मेघालय के मलिक जी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे हैं लोग, 500 लोग मरे हैं।